बेटा भैया का रूम ठीक कर दो और दीदी का बेडशीट चेंज कर दो। ठीक है मैडम, भैया का तो कर दिया, दीदी का अभी करती हूँ। पाखी जी मैडम। बेटा एक कप चाय बना कर लाना। जी, पर दूध तो खत्म हो गई, मैं अभी लाती हूँ। इधर आना जरा, इधर आ। तू सुबह गई थी ना कुछ लेने के लिए? हाँ वो मैं भूल गई, अभी लाती हूँ ना, बस बाल थोड़ा ठीक कर लो। ये स्टोर तक जाने के लिए बाल ठीक करने की क्या जरूरत है? ठीक है मैं अभी जाके रख दो, बस दो मिनट में आई मैं। ये पाखी है ना आजकल बिगड़ती जा रही है, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढती रहती है बाहर जाने के लिए। इसकी बुआ को शिकायत करनी पड़ेगी। एक बार ड्राइवर भी तो बोल रहा था किसी लड़के के साथ देखा इसको, कुछ ना कुछ तो है, देखना पड़ेगा। जाने का बहुत बहाने ढूंढती रहती हूँ, और एक घर में इतनी तैयार रहने की क्या जरूरत है? आजकल थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलने लगी हो, लगता है तुम्हारे बुआ को बुलाना पड़ेगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? देखो तुम अभी छोटी बच्ची नहीं रही हो कि तुम्हें मेरे बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ सही कहा आपने मैडम, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और ये भी समझने लगी हूँ कि कैसे कैसे सभी लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। मतलब? मैं 10 साल की थी, मेरी मम्मी पापा स्कूल सहेलियाँ भाई बहन सबसे दूर अपनी बुआ के साथ पैसे कमाने के लिए दिल्ली भेज दिया, और बुआ मुझे काम सिखाने के बदले 2 साल अपने साथ काम पे रख के ज्यादा से ज्यादा काम मुझसे करवाती थी, और जब पैसे मांगने लगी तो मुझे यहाँ रखती है। तेरी बुआ तेरी ख्याल भी तो रखती है, वो जिस बस्ती में रहती है वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ के लड़के अच्छे नहीं थे, इसीलिए तो मेरे यहाँ रख कर गई है। देख तू बचपन से यहाँ आई है, 12 साल से रह रही है, हम भी तुझे बहुत प्यार करते हैं, हम भी तुझे अपना घर का मेंबर समझते हैं। मैडम अगर आप मुझे घर की मेंबर समझते तो मेरी पहनने ओढ़ने के लिए आपको तकलीफ नहीं होती। दीदी की पुरानी कपड़ों में से मैं अपनी फिटिंग करवा लेती हूँ और वो पहनती हूँ, आपको वो भी अच्छा नहीं लगते। दीदी की मेकअप किट फेंक देती थी और वो मैं संभाल कर रखती थी और यूज करती थी, वो भी आपको अच्छा नहीं लगते थे। आप लोगों को तो बस काम चाहिए, पाखी चाय ला, पाखी रूम ठीक कर, पाखी सामान ला, बस। और आप लोग जब पार्टी में जाते थे मुझे कमरों में बंद कर देते, ना कोई दोस्त और ना कोई सहेली, मेरी तो जीवन में खुशी है ही नहीं। और जब घर जाती हूँ माँ ध्यान रखती है, अगर कोई लड़का पसंद ना कर ले, अगर कोई पसंद कर ले तो मुझे शादी करना पड़ेगा, और घर की कमाई बंद हो जाएगी, भाई बहन की पढ़ाई बंद हो जाएगी, मेरी तो जीवन ही बेकार है। पाखी, पाखी रो मत पाखी। जब घर में पार्टी होते हैं तब 12-1 बजे तक भूखा रहना पड़ता है, आप लोगों की खुशी के लिए बहुत देर तक काम करते रहते थे, और कोई अगर आपकी सहेली अगर मुझसे प्यार से हंस के 2 बात कर ले तो आप तुरंत वहां आ जाते हैं, आपको डर है ताकि मैं कोई बात बता ना दूं कि साहब रात को क्लब से दारू पी के आते हैं और आपसे बेमतलब की लड़ाई करते हैं, और दीदी दीदी जिम ट्रेनर से प्यार करते हैं। और भी सुन लो मैडम, आप लोग जब घर पे नहीं रहते, जब बाहर जाते हैं तब भैया एक लड़की घर पे लेके आते हैं और बहुत देर तक घर के अंदर दरवाजा बंद करके रहता है, लेकिन आप लोगों को तो ये सब दिखाई नहीं देता है, आप लोगों को बस ये दिखाई देता है कि पाखी अब 25 साल की हो गई है, अगर किसी से हंस के 2 बात कर ले तो आग लग जाता है। पाखी पागल हो गई क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, आज मुझे बोलने दीजिए, मैं उस किराना स्टोर में काम करने वाला गंशा से प्यार करती हूँ और हम लोग शादी करना चाहते हैं, और एक दिन हम भाग भी जाएंगे क्योंकि मेरी शादी ना ही घर वाले करवाएंगे और ना ही आप लोग,
सब मतलब ही है, मुझे सब पता है। पाखी जाओ हाथ मुंह धो और एक बढ़िया सा मिखला चादर पहन के आओ, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ और गौसा को भी बुलाती हूँ, जाओ। सच में मतलब आप मेरी बुआ से मेरी शिकायत नहीं करोगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है जाओ। तुम तो बहुत ही जच रही हो आज, कोई खास बात है क्या? आओ ना अंदर। अच्छा पाखी बताओ, मैडम ने हमको कहाँ बुलाया? हमसे कोई गलती हो गई क्या? मैडम जी। हाँ आ रही हूँ। अच्छा तुम हो गणसा, देखा तो है लेकिन नाम नहीं पता था। मैडम जी हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तो हुई है। तुम पाखी से शादी करना चाहते हो? बोलो। करना तो शर्मा क्यों रहे हो? घर में कौन कौन है? घर पे हम और हमारी माँ। और पापा? बाऊजी तो दूसरा ब्याह करके किसी और के साथ चले गए कहीं और रहने के लिए। अच्छा। और हाँ बोलो। हमारी माँ को भी पाखी पसंद है। अच्छा चलो तुम दोनों की शादी कर देते हैं फिर, मैं अभी आती हूँ, रुको।